वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा 35वां व्लॉग है एंड मेरे पहले व्लॉग से लेके 33वें व्लॉग तक मैंने एक ही रूटीन फॉलो किया, जिसमें मैं रात में बैठा, मैंने अपनी एडिटिंग पूरी कंप्लीट की, सुबह आराम से मैंने अपने व्लॉग को अपलोड किया। बट कल, जैसे कि आपको पता है कि मुझे बहुत ज्यादा रात हो गई थी वापस आने में, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सो व्हाट आई थॉट इज कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ और मैं अपनी एडिटिंग सुबह सुबह बैठ के करता हूँ। ठीक 7 बजे मेरा अलार्म बजा, मैंने उस पर एक हाथ मारा और वो टाइम बोल गया, मैं वापस हो गया। थैंकफुली आज रजनी की क्लास थी तो वो जल्दी उठी थी एंड 7:30 शी वोक मी अप एंड घिसते घिसाते मरते मराते 8 बजे तक मैंने स्टार्ट की अपनी एडिटिंग। 8 बजे से एडिटिंग स्टार्ट करके 10 बजे अपलोड कैसे किया है मैंने, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। खैर, एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू और मैंने ये सीख लिया कि भाई तुम कितने भी थके हो, कतई थके हो, खत्म रोके हो थकान से, लेकिन अपनी एडिटिंग रात को खत्म करो, अदरवाइज अगले दिन सुबह आपकी खाट खड़ी हो जानी है। विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर डे। हमारे यहाँ सुबह मेडिसिन हो रख चुकी है और लेते, मेड्स को डांट पड़नी तुम चालू हो सोचो चुकी कि अगर है। अमित मामा के पास मेडिसिन ये रख देखो, लो। तुमने बोला क्यों नहीं कि मैडम कार में बैठते समय मुझे मेरी तबीयत खराब होती है, मैं न्यूज़पेपर बिछा देती, मैं कोई मेडिसिन रख सकती थी अगर तुमको कार में कुछ होता तो। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो आज मंडे है, जितने भी आईटी वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा बुरा दिन होता है, क्योंकि आज से लगातार 5 दिन उन लोग को काम करना होता है। आई एम श्योर मामा भी बेचारे कॉल पे लगे होंगे। लैपटॉप खुला है लेकिन मामा नहीं है। ध्यान से देखिए इस पाखंडी की दास्तान, जिन्होंने मासूम कॉलीग्स को कॉल पे अटका के मोबाइल और लैपटॉप खोल के चले गए थे नहाने। सो कल जब हम लोग रुचिर भैया के घर गए थे तो उनके घर का नाम था द हाउस ऑफ आर्स, बिकॉज रुचिर रितिका रुद्र सो आर्स, उन्हें AARS करके लिखा था। एंड मैंने अभी जस्ट नोटिस किया दैट ऑल द मेड्स इन माय हाउस, ठीक है, एक साधना है एस, शिल्पी हैं एस, सुचित्रा हैं एस, एंड देन सुहागी हैं एस। सो एवरीबडी इज नेम्ड एस, हाँ बच्चा, एवरीबडी इज नेम्ड आफ्टर एस आई एम सेइंग। तो हम लोगों को अपने घर का नाम देखना चाहिए द हाउस ऑफ एस। तो हमारे घर पे 24 घंटे वाला भी एक सर्वेंट था, उसका नाम था विनोद। है बच्चा, विनोद भी तो थे, ठीक है, पर वो हमारे घर पे नहीं टिके। अगर उनका नाम सिनोद होता तो वो पक्का टिक जाते। उसका हमने पेट नेम रखा था हती, इस फ्रॉम महोबा, तो वो हप्पू सिंह वाली भाषा बोलता है, तो हम का हती, हम ये हती, हम वो हती करता, तो हमने उसका पेट नेम हती रख दिया था। बट अगर हरे हम हती करी जगह सती रख देते। तो हम लोग निकल पड़े हैं सेक्टर 37 के लिए, जहाँ से हमें मिलेगा सब्जी और फल और क्या लेना है वो दूसरे मार्केट से, कुछ सामान लेने, बिस्किट्स वगैरह ये सब। अच्छा अच्छा ब्रह्मपुत्र से लेना है ना वो तो। हाँ तो ब्रह्मपुत्र से हम लोग को और भी दो चार काम है, तो उसके लिए हम लोग निकले एकदम लैस होके। अच्छा, सब्जियाँ लेने के लिए ये और एक एडिशनल हिदायत लेनी पड़ती है कि आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा, क्योंकि आप सब्जी को आप फिजिकली टच करते हो, देखते हो। तो मैं तो खैर आई विल बी होल्डिंग माई फोन, बट रजनी जो है वो एक एक सब्जी देखेंगी, तो शी इज़ वेयरिंग ग्लव्स। ग्लव्स पहना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। तो पहुंच गए हम लोग सब्जी मार्केट एंड ये रही हमारी हजारों लोगों की सब्जियां। भैया कैसे हो? अरे क्या हाल है जल्दी? एकदम बढ़िया। काफी दिनों बाद दर्शन। अब बताओ क्या करें, कोरोना ने मार रखा है। अरे नहीं नहीं इनका सब्जी लेना तोल मोल चालू। नमस्ते। डबल वाला प्याज मत देना, स्कूल बंद है इसलिए नहीं आ पा रही। टमाटर बहुत बड़ा बड़ा नहीं चाहिए। क्या क्या लेना है जरा बताओ। टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया, सब्जी और बीज वाला कुछ हरी सब्जी। इसलिए मैं कभी भी अकेले नहीं आता, इतना तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। ये बढ़िया पालक है। बहुत बढ़िया पालक है। चलो तुम्हारे कहने पे ले लेते हैं। चलो बच्चे को ज्यादा पहचान है भाई। अरे गौतम तुम भी बेचने लगे? गौतम गौतम उस साइड चले जाए, खुद ही बेच रहा है। अरे चाइनीज मत खरीदो, यही सीधे होते हैं, बाकी सब टेढ़े मेढ़े होते हैं। और इसका भी ले लो, मैं चीजें ही निकाल लूंगा। ओ तेरी तो, ये देखो चैलेंज देखो लड़के का। हीरो है, हीरो। अब टोटल हो रहा है, जो टोटल होगा उसमें ये काटेंगी बार गेमिंग।
देखना 1680 हुआ है, अब जाओ बार्गेनिंग चालू। देना कितना ये बताओ ना, अब प्यार मोहब्बत में कितना देना ये बताओ। अरे चलो चलो 1700 बोल रहे हैं, फाइनल कितना हुआ है? 1630 दूंगी मैं। ओके भाई टॉफी का। अरे वाह, अरे वाह, टॉफी खाने का पैसा मिल रहा है। चलो हमारी मुलाकात हुई है बहुत दिन बाद। कैसे भैया, बढ़िया? लो भाई फल लो, फल लो, फल लो, फल लो। लोग वहाँ से लेते हैं फल, वहाँ खड़े होके हम लोग सीधा यहाँ से लेते हैं। इनका फिक्स डायलॉग है, अगर मीठा नहीं हुआ तो वापस कर देंगे। सारा खा लूंगी, एक संतरा वापस करूंगी और पैसे सारा ले जाऊंगी। वो ले भी लेंगे। देखो ये 420 वाली बात है, 420 रुपए हुए। नहीं, 420 अच्छा नंबर नहीं होता भैया। सोया चाप भैया, बस इनको तो चाइनीज दिखाने की नूडल्स है क्या भैया? छह राउंड फिगर होता है, देखो। वाह 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 वाह, क्या सीन है। इंडिया वांट्स टू नो, छह राउंड फिगर कैसे है भैया? इतने लंबे हैं और आप इतने छोटे हो कि मैं आप दोनों को एक फ्रेम में नहीं ले पा रहा। आपकी मुंडी आएगी, भैया की छाती आएगी, यही होगा। वो कहाँ गया चॉकलेट वाले ओरियो, कहाँ गए? या मेरे को बॉर्नविटा बिस्किट्स बहुत पसंद है। तड़ा, ये इनका सेट है। सब्जी में छेद हुआ तो मैं आपके में छेद कर दूंगी, फल अगर मीठे नहीं हुए तो मैं आपको आगे खिलाऊंगी। अभी अभी रस की बात हो रही है तो ये कह रही है कि अगर रस अच्छे नहीं निकले तो आपको खिलाएंगे। वो भैया बेचारे स्वीटली कह रहे हैं ठीक है मैं खा भी लूंगा। एक्सचेंज पॉलिसी इनकी खत्म नहीं होती। लो भैया टेस्ट छोड़ो, फैंसी पैकेट लो। फैंसी आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे भेलपूरी चाहिए। वेरी गुड। इसमें क्या है? इसमें भेलपूरी मसाले का पाउडर वाउडर है, खाली आपको घोल के डालना। तो हमें इजी ब्रीद लेना है, तो हम केमिस्ट आए हैं। इस केमिस्ट पे जब आओ, यहाँ पे एक रेनोवेशन चल रही होती है एकदम बिरला मंदिर की तरह। मैं डेली व्लॉगर हूँ भैया, व्लॉग करता हूँ यूट्यूब पर। तो हम आ गए वापस घर एंड बेचारे मामा जो है अपना सर पकड़ के मीटिंग कर रहे हैं। So I really hope you liked today's vlog. भागा दौड़ी में निकल गया पूरा का पूरा दिन। If you did, do subscribe to my channel and hit the bell icon. And as always, stay safe, stay positive, and I'll see you in the next one. Here goes out the light.